अनर्थ, घोर अनर्थ। क्या हुआ स्वामी? मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि अपना चरू अपने पास ही रखना, इसलिए अब इसे अपने इस कृत्य का दंड भुगतना होगा। और इसका दंड ये है कि इसका पुत्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी क्षत्रिय जैसा कर्म और व्यवहार करेगा। तो फिर क्या ऋषि भृगु की कही उन्हीं अकाट्य वाणी का प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा प्रभु? हाँ वत्स, किंतु दैवीय दृष्टि से तुम्हारा जन्म बहुत से कारणों की वजह से हुआ है। चक्रीदेव इस धरती के पापियों के वध के लिए स्वयं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते तो वे उनके वध के लिए एक योद्धा चुनते हैं, और वो योद्धा तुम हो राम। सहस्त्र बाहु का वध तुम्हारे हाथों होना था, और उसी पापी के पाप को बढ़ाने में उनके वंश का संहार भी तुम्हारे हाथों होना था। किंतु अब तुम्हें शांत होना होगा परशुराम।